हेलो गाइज, मैं हूँ सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। आज 27 जनवरी को ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिस्टर प्रशांत कुमार सिंह जो कि सीईओ हैं जेम पोर्टल से, और इधर सीएससी के संजय सर हैं जो सीईओ हैं सीएससी के। आप सभी लोगों ने आज इसे लॉन्च किया है और वीएलई भाइयों को इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने वाला है क्योंकि सीएससी वीएलई ही रजिस्ट्रेशन करेंगे बायर का या सेलर का। ये एक सिस्टम बनाया गया है, एक गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस बनाया गया है जिसमें जो मध्यम वर्ग के उद्योग करने वाले लोग हैं, जो एमएसएमई में जिनका रजिस्ट्रेशन है, या ऐसे तमाम सारे लोग अपने आप का रजिस्ट्रेशन सेलर में या बायर में लोग पब्लिक लोग कर सकते हैं। इसमें वीएलई ही रजिस्ट्रेशन करेंगे लोगों का, इसमें वीएलई को इंसेंटिव मिलना है। कंप्लीट गाइड करूंगा, रजिस्ट्रेशन करने का तरीका भी बताया जाएगा वीडियो में। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बायर एंड सेलर को कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री ऑफ कास्ट आप इनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। जबकि आपको जो वीएलई को इंसेंटिव मिलना है इसमें, वो अगर आप बायर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 40 रुपए का कमीशन मिलने वाला है। अगर आप सेलर का यानी कि कोई दुकानदार या कोई जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं या कोई सेलर बनना चाहते हैं, इसमें जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपको 80 रुपए का कमीशन मिलने वाला है। ये कमीशन आपके डीजी पे में या आपके वॉलेट में, जैसे बहुत सारे सर्विसेज में हम लोगों ने काम किया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ई श्रम में काम किया था लोगों ने, तो उसमें डीजी पे में या वॉलेट में आप लोगों को इंसेंटिव मिला था, उसी प्रकार से इसका भी इंसेंटिव आपको मिल जाने वाला है। आइए कंप्लीट प्रोसेस समझ लेते हैं। हर्षवर्धन सर ने पूरा कंप्लीट गाइड किया है कैसे बायर या सेलर का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो कंप्लीट प्रोसेस को समझ लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद मैं खुद भी एक रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट वीडियो आपको बना दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो आइए सबसे पहले हर्षवर्धन सर को सुन लेते हैं और पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स का रजिस्ट्रेशन। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है कि जेम सर्विसेज में बायर्स और सेलर्स दोनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर। तो किस प्रकार से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जेम सर्विसेज के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़े, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंसेंटिव्स क्या होंगे हमारे बायर्स एंड सेलर्स का रजिस्ट्रेशन अगर हमारे वीएलईस करते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर से। सो उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनको उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही रजिस्ट्रेशन बायर्स और सेलर्स के लिए फ्री है, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अगर बायर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वीएलई के माध्यम से तो उसको 40 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और अगर वो सेलर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको 80 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो ये ह्यूज इंसेंटिव है इस सर्विस के अंदर। तो अभी बायर्स और सेलर्स की हम डिटेल बात करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस प्रकार से बायर्स का रजिस्ट्रेशन हमारे सीएससी वीएलईस करने वाले हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। बायर्स अकाउंट अगर क्रिएट होता है जेम पोर्टल पर तो क्या एडवांटेज है उसकी, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बायर्स का मतलब होगा जो सामान को खरीदने वाले हैं, जो खरीदार लोग हैं। अब वो उनको बेनिफिट्स होंगे, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने जब बायर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो अपने एडवांटेज बता सकते हैं, उनको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताएं तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज की जो इंडिविजुअल कैटेगरी है उसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली है। यू हैव अ रिच लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। सेकंड है इसके अंदर कि अगर आप बायर ही हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, तो आपके पास में काफी सर्च है, आप कंपेयर कर सकते हैं आइटम्स को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास खरीदने की फैसिलिटी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बाइंग करना बहुत आसान है आपके लिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अप टू डेट हैं, कि आपका डैशबोर्ड आपको मालूम चलता है कि आपने खरीदा क्या है, आप कैसे सप्लाई कराएंगे, उसकी पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, ये सब चीजें एडवांटेजेस के अंदर में आती हैं। अब अगर हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से कोई बायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, स्टेजेस को लेके बात करते हैं। सबसे पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई का मतलब वेरिफिकेशन होगा एचओडी के आधार का, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, उनका डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी डिटेल्स ऑफिशियल डिटेल्स होती है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूवल के लिए वेरीफाई अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, प्रोफाइल कंप्लीट किया जाएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत बात जो इस पोर्टल के अंदर है बायर के रजिस्ट्रेशन में, वो है कि इसमें एचओडी के पास पूरी लिबर्टी है कि वो डिविजन्स को एड कर सकते हैं, सेकेंडरी यूजर्स को एड कर सकते हैं।
कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बाकी सर्विस की तरह आपको लॉगिन करना होगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल को, और आप यहां पर सर्च ऑप्शन में जाके आप सर्च करेंगे जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, आप यहां पे सर्च करेंगे। जैसे ही आपके सामने दी हुई स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप जेम सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको जेम रजिस्ट्रेशन पेज पर लेके चला जाता है। कुछ इस प्रकार का हमारा जेम रजिस्ट्रेशन पेज होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने नजर आते हैं, क्रिएट बायर अकाउंट, अपडेट बायर अकाउंट, क्रिएट सेलर अकाउंट, अपडेट सेलर अकाउंट। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से बायर अकाउंट को बनाया जाएगा, कैसे बायर अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा क्रिएट बायर अकाउंट पर। अब यहाँ पर आधार डिटेल्स एंटर की जाएंगी HOD, और क्लिक करेंगे हम लोग वेरीफाई आधार बटन पर। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो HOD है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हम लोग उनका आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर जो उनके आधार नंबर के साथ में लिंक होगा उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, और कंसेंट देते हुए हम लोग क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार पर। जैसे ही हम लोग वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स एंटर करेंगे। जैसे मैंने स्टेजेस में आपको अभी बताया, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल एंटर करेंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी HOD का, और यहाँ पर हम लोग उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सेंड OTP पर। जैसे ही आपके पास वन टाइम पासवर्ड आ जाता है, मतलब हमारे जो HOD है अगर उनके पास वन टाइम पासवर्ड आ जाता है उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, वो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, OTP यहाँ पर एंटर किया जाएगा, उसके बाद में हम लोग उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं यूजर आईडी क्रिएशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस एरो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है यूजर आईडी क्रिएशन। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी इच्छा के अनुसार एक यूजर आईडी यहाँ पर चुनेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये ऑटो लोड हो जाएगा अभी वेरीफाइंग अथॉरिटी को सेलेक्ट करने में। मतलब हम लोग अगली स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूवल के लिए वेरीफाई अथॉरिटी के पास में जाना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट करना होगा आपका वेरीफाइंग अथॉरिटी, आप उसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन पर। जैसे यहां पर इसको अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद HOD को एक कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा VS अप्रूवल, मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी के अप्रूवल का एक कंफर्मेशन ईमेल उसकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होता है। प्रोफाइल तब अपडेट होगा जब आपके वेरीफाइंग अथॉरिटी का अप्रूवल आपके पास में आ जाता है। जैसे आपके पास में ईमेल प्राप्त हुआ, उसके बाद में वापस से आप जेम का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेंगे, और उसके बाद में अब यहां पर बाकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे अपडेट बायर अकाउंट। आप इसको देख रहे होंगे अपडेट बायर अकाउंट पर, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको वेरीफाई करना होगा HOD यूजर्स को। प्रोसीड बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे वेरीफाई करते हैं उनके ईमेल आईडी से, उनके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट से, और यहाँ पर आपके पास एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड आपके पास वापस से आता है, जिससे आप यहाँ पर उसको वेरीफाई करेंगे। सो आपके HOD यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब अब हम यहाँ पर बायर अकाउंट अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस अपडेट करेंगे, पेमेंट मेथड यहाँ पर आप अपडेट करेंगे, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रहती है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप उसको अपडेट करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सेव बटन पर। आपने क्लिक किया सेव बटन पर, उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास में आता है कि अब हमारे HOD सेकेंडरी यूजर को भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल डिविजन के बेसिस पर, मल्टीपल पोस्ट के बेसिस पर, ये सेकेंडरी यूजर्स को ऐड किया जाता है। तो ये बायर के अकाउंट का क्रिएशन था। इस प्रकार से हम लोग बायर अकाउंट को क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि बायर अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, बात कर लेते हैं सेलर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से कैसे सेलर को रजिस्टर करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि हम लोग एडवांटेज जानना चाहेंगे, एडवांटेज हमारे VLEs भी जानना चाहेंगे, तो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। आप अपना कोई भी आइटम आप सेल करना चाहते हैं सरकार के साथ मिलकर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आप हैं, जहां पर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होगा कि आप सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में एक्सेस रख सकते हैं। वन स्टॉप शॉप आपके पास में होगा कि आप मार्केट कर सकते हैं खुद को मिनिमल एफर्ट्स, यानी कि आपके बहुत छोटे से एफर्ट्स और आपके पास अपनी मार्केटिंग करने के लिए एक खूबसूरत स्थान आपके लिए बना हुआ है। आपके पास वन स्टॉप शॉप होगा कि आप बिड कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स सर्विसेज को लेकर। एक और चीज यहाँ पर कि आपको नए प्रोडक्ट की सजेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है सेलर्स को। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, हमारे VLEs
किसी भी सेलर को बता सकते हैं कि आप हमारे पास में आए और आप सेलर अकाउंट क्रिएट करें हमारे साथ में जैम के लिए। तो क्या आज की स्टेजेस हैं, कैसे बनेगा अकाउंट, कैसे सेलर का अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उसको एक बार देख लेते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएशन होगा, यानी कि सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको देना होगा। कुछ प्रीक्विजाइट्स हैं, आप उनको चेक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको हम कहते हैं, आप उनको चेक करेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आप उन पर अपनी कंसेंट देंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे। आपको यहाँ पर सेलर्स की पर्सनल वेरिफिकेशन कराना होगा, आपके आधार नंबर से या फिर आपके पैन नंबर से, ईमेल वेरिफिकेशन से, ये सब आपको करना होगा। सेलर्स कंपनी, उनकी फर्म या उनका ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रोफाइल है, ये आपको देना होगा, जिसके लिए आपको बिजनेस प्लान देना होगा। CIN वैलिडेशन आपको देना होगा, अगर वो एप्लीकेबल होता है तो, ये आप जानेंगे। सेलर्स का ई-इनवॉइस डिक्लेरेशन आप देने वाले हैं और कुछ ऑप्शनल डिटेल्स हैं वो दी जाती है, वो आप डिपेंड करता है, जैसे IT डिक्लेरेशन हो गया तो अगर बिड पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको देना होगा। MSME सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल इसको पाते हैं खुद को तो आप इसको देना होगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल में आता है तो आप इसको लीव कर सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आप उनमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सेलर के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो क्या करना होगा, सबसे पहले वापस से लॉग इन करते हैं और सर्च करते हैं जैम को, पहली सर्विस की तरह जैसे हमने बायर में किया, सेम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग आएंगे अपने जैम रजिस्ट्रेशन पेज पर, जहां पर हमें क्लिक करना होगा क्रिएट सेलर अकाउंट पर, जो कि हम लोग सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप आगे आते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके बिजनेस का या आपके ऑर्गेनाइजेशन का आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा, वो फर्म है, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, ट्रस्ट है, क्या है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये सभी चेकबॉक्स को एक्टिव करना होगा। आप जब इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका प्रोसीड बटन यहाँ पर आप देखेंगे, तभी आपका एक्टिव हो पाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ आप आगे चले, यहाँ पर आपको अपना कंसेंट देना होगा। आप टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम एंटर किया, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर किया, फिर आप आगे चले। आगे जाने के बाद अब बात आती है पर्सनल वेरिफिकेशन सेलर का। तो सेलर का पर्सनल वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप आधार से करेंगे या फिर आप उनके पर्सनल पैन से करेंगे। सेलर की हम बात करते हैं, आइडेंटिटी की बात करें तो आपको आधार नंबर या फिर उनका पर्सनल पैन आप यहां पर देने वाले हैं। आपने क्लिक किया, आपकी चॉइस, आधार पे क्लिक किया अगर आपने, तो यहाँ पर आपको आधार की डिटेल्स को आपको सक्सेसफुली वेरीफाई कराना होगा। आपने मोबाइल नंबर देना है, आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आपकी आधार डिटेल्स है आपने यहाँ पे एंटर कराया, और उसके बाद में आप अपना कंसेंट देते हुए आगे बढ़े और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आप आ जाते हैं इस जगह पर जहां पर आपको सेलर का ईमेल आईडी ऐड करना होगा और आप इसको वेरीफाई करेंगे उस वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से, जो वन टाइम पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्राप्त हुआ होगा। यहाँ पर आपने ईमेल आईडी को मेंशन किया, पासवर्ड आपके पास में आया, आपने उसको मेंशन किया और आप वहां पर उसको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद में अब आप अपना यूजर आईडी यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आपकी इच्छा के अनुसार, यहाँ पर आप कोई भी यूजर आईडी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूजर आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे आपकी मनपसंद, उसके बाद में आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर, मतलब अब आपका अकाउंट क्रिएट होने की तरफ चल रहा है। तो ये आपको सेलर के प्रोफाइल पेज पर लेकर जाएगा, जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा प्रोफाइल पेज सेलर पे। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको कुछ डिटेल्स और आपसे मांगी जाती हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपके बिजनेस प्लान को वैलिडेट करना होगा। जब आप बिजनेस प्लान को वैलिडेट करेंगे तो उसमें आपके बिजनेस का टाइप आपने दिया, बिजनेस प्लान आप देते हैं, आपका नेम क्या है उसमें, आपका डेट क्या है उसमें, तीसरा यहाँ पर दिया और आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। इसके बाद फिर आप यहां पर बिजनेस डिटेल्स फिल करने वाले हैं। उसके अंदर में क्या होगा, बिजनेस डिटेल्स में आपके बिजनेस का नाम होगा और आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा। तो ये आपको भली भांति पता है, आप इससे परिचित हैं, तो आप इसको यहां पर एंटर करते हुए आप आगे चलेंगे और आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इसके बाद आप एडिशनल डिटेल्स में आ पाएंगे। आप प्रेफरेंस को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एडिशनल डिटेल्स में, जैसे कि आप क्या स्टार्टअप के तौर पर आप डीपी आईआईटी के साथ में रजिस्टर्ड हैं, क्या आप उद्यम रजिस्टर्ड हैं अपने एमएसएमईज के लिए, क्या आप बिड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आप उनको दें और प्रेफरेंसेस को फिल करते हुए आप लोग आगे चलेंगे। उसके बाद फिर आप बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड है आप उनको देने वाले हैं, जैसे ऑफिस लोकेशन हो गया, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो गई, ई इनवॉइसिंग डिक्लेरेशन आपके पास में हो जाता है। जब आप इनको वन बाय वन कंप्लीट करते चले जाते हैं, आप इसको आगे बढ़े, अब इनको वन बाय वन आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में फिर आप यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जब सब डिटेल्स आपने कंप्लीट कर दी है तो आपका सेलर का प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और अब सेलर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और जैम पोर्टल पर अपनी सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन
डिटेल्स के बारे में। जब आप सब डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस बॉक्स में, यहाँ पर आपको 100% आपको नजर आता है, मतलब आपका जो प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल डिटेल्स आपको 100% तभी आएगा जब आप डिटेल्स दे चुके हैं और सब कुछ आपकी तरफ से कंप्लीट है, तब यहाँ पर ये 100% आता है। तो इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि आप अगर बाद में कोई प्रोफाइल में अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ आपका सेलर आईडी जो आपने चुना था आपका, और उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और आप अपना अपडेट भी कर सकते हैं अगर आपके सेलर के प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो। ये हम बात कर रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से बायर्स और सेलर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ज्यादातर चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। बहरहाल अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। एक लाइव वीडियो आपको हम बना करके देंगे जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।